फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूं। और अभी मैं हूं अपने घर में। सुबह के 9 बजे मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूं। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले सभी बड़ों का मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं निरू नेगी आप सभी का अपने आज के ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल 16 श्राद्ध चल रहे हैं। तो आज है अष्टमी का श्राद्ध। मेरे घर में आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। तो डेली रूटीन के अकॉर्डिंग जो भी हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का काम होता है ना, झाड़ू पोछा नहाना धोना, वो सब मैं कर चुकी हूँ। और अभी फिलहाल हमारे घर में श्राद्ध की तैयारियाँ चल रही हैं। पंडित जी अभी आए नहीं हैं। पंडित जी ने लगभग 12 बजे का टाइम दिया है, क्योंकि अष्टमी का श्राद्ध है ना, तो आज कई जगह पंडित जी को श्राद्ध करने होते हैं। तो उसके बाद वो हमारे वहाँ आएंगे। और अभी हमारे घर में भाभी बना रही हैं श्राद्ध का खाना, और ईजा बाकी की तैयारियाँ कर रही है, जो भी मतलब तिमिल के पत्ते, कूस और जो भी चीज़ें मतलब वहाँ श्राद्ध के वहाँ पर चाहिए होती है ना, तो वो पंडित जी के आने तक वो सब चीज़ें वहाँ पर तैयार रखती है। और दादा करेंगे श्राद्ध। तो फिलहाल अभी मैं हूँ अपने गार्डन में। तो देखिए ये फूल कितना अच्छा खिला हुआ है। और यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पर दादा ने उधर मुर्गियाँ खोली हुई हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सामने हमारी मुर्गियाँ चर रही हैं, अभी उनको खोला हुआ है। और यहाँ देखिए ये चरते कम हैं, तो देखिए कितनी शैतानियाँ करते हैं, मिट्टी खोद रहे हैं यहाँ पर। और अब बात करती हूँ आज के मौसम की। तो देखिए आज बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, तो दिन भर बस ऐसी धूप रहने वाली है। और अब मैं जाती हूँ घर के अंदर। और यहाँ मेरी ईजा जो श्राद्ध में रायता बनेगा ना, उसके लिए ककड़ी कोर रही है, देखिए। और यहाँ अभी भाभी बना रही हैं श्राद्ध का खाना। तो कुछ तो बन चुका है और कुछ अभी बनना बाकी है। यहाँ पर चावल भी गए हैं। यहाँ पर मेरी ईजा आधा काम छोड़ के चली गई है, तो बाकी का जो भी रह गया है उसको मैं अभी पूरा करूँगी। और ईजा अपना दूसरा काम कर रही है। ये देखिए, ईजा ने पंडित जी का आने का टाइम हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर जो भी सामान की ज़रूरत होती है ना, सब ईजा ने यहाँ रख दिया है। देखिए ये हैं तिमिल के पत्ते, ये है यहाँ पर कूस, चीनी, तिल, जौ, चावल, तुलसी के पत्ते, आंवले के पत्ते, और ये है पाती, और यहाँ पर जल है, यह है पिंड वस्त्र, और उसके नीचे है चावल, बैकर बोलते हैं उसको। और अभी ईजा कुछ सामान और ला रही है। तो यहाँ ईजा आ गई है कुछ फल लेके, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। तो ये हैं केले, सेब, अनार और मौसमी। तो ये सब अभी श्राद्ध में चढ़ाए जाएंगे। और यहाँ आ गए हैं एक बाबा जी ढोलक बजाते हुए। गए हैं, उनको दादा ने कुछ दान दे दिया था। तो अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ बरामदे में। तो ईजा जो ये काम आधा छोड़ के गई थी, उसको पूरा कर लेती हूँ जल्दी से। तो ये देखिए, ये कुछ खीरे बचे हैं जिनको मैं जल्दी से कद्दूकस कर लेती हूँ। और अब मैं गूंदने वाली हूँ इस आटे को पूरी के लिए। इसमें मैंने अजवाइन और कसूरी मेथी मिला दी है, साथ में मैंने इस जग में रखा है ये देखिए खीरे का पानी। तो खीरे का तो भाभी ने रायता बना दिया है, उसका जो पानी था वो हमने फेंका नहीं। तो इस खीरे के पानी को हम इस आटे में मिलाएंगे, तो उससे जो पूरियाँ होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, खुशबू भी आती है। तो चलिए मैं जल्दी से इस आटे को गूंद लेती हूँ पूरी के लिए। मैंने पूरी का आटा गूंद दिया है और यहाँ भाभी तल दी हैं अभी बड़ी। तो ये देखिए भाभी यहाँ पर बड़ी तल रही हैं। तो अभी भाभी बना रही हैं भात दाल और पूरी बड़ी जो भी है, जो श्राद्ध में चढ़ना है। उसके बाद मैं बनाऊंगी बाकी की पूरियाँ। और भी हमारे पंडित जी भी आ गए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये हैं हमारे पंडित जी, यहाँ तो तभी बैठ गए हैं श्राद्ध के लिए। और यहाँ मेरे पिताजी की फोटो रख दी है। तो आज हमारे वहाँ श्राद्ध में बना है रायता, खीर, सब्जी है, दाल, भात,
पूरी बड़ी और यहाँ पर कुछ फल रखे हैं और ये कटोरे में है यहाँ पर दही। और अब यहाँ पर मेरे दादा बना रहे हैं पिंड। तो आज जो अष्टमी के दिन जो पिंड बनता है तो वो बनते हैं 6 और बाकी कल मेरी जगह श्राद्ध है तो उसमें 9 पिंड बनेंगे। और यहाँ मेरे बड़े जिया जी भी आ गए हैं मिनी वाला। तो गाइज ये हैं मेरे सबसे बड़े वाले जिया जी और आज ना श्राद्ध में दीदी लोगों को भी इन्वाइट किया है। तो बड़े जिया जी तो आ गए हैं, दीदी नहीं आई है। अभी दिव्यांश के बर्थडे में आई थी तो 8-10 दिन रह के गई थी, उसका स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं रहता था, इसलिए आज जिया जी आ गए हैं। तो देखते हैं आगे को कौन कौन आता है। तो बस अब करते हैं आगे की तैयारी। और यहाँ अभी किचन में आ गए हैं हमारे हलवाई। यह है मेरी भाभी की दीदी, मेरी चाची की बहू। और ये यहाँ पर तल रही हैं अभी पूरियाँ। तो इतनी पूरियाँ ये तल चुके हैं और यहाँ भाभी बेल रही हैं पूरी मशीन में। तो ये देखिए गंगा गया श्राद्ध फल मस्तु गंगा। तो फाइनली गाइज पंडित जी ने श्राद्ध कर दिया है और अब वो खा रहे हैं सेब। ये देखिए क्या चटकारे लेके खा रहे हैं। और अब जा रहे हैं वो चाची के घर चाचा का श्राद्ध करने। अब के चार था क्या तुमको? तो शुगर सर, शुगर में क्या खा लेनी? अच्छा निहुन के ही इनके छी इन परहेज कर रही है सही। तो अब मैं बेल रही हूँ यहाँ पर पूरियाँ। तो देखिए और ये मशीन बहुत ताकत लगती है, ज़्यादा ताकत लगाने से बड़ी बड़ी पूरियाँ बन रही हैं। मैंने तो पूरियाँ बेल दी हैं और अब हमारी बेबी बेल रही है। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इतनी सारी लोई बना के रखी है, अभी इतना आटा बचा है। और यहाँ पर भाभी रख रही हैं पेड़ा गांव में, अब मैं देने जा रही हूँ। तो अब मैंने ले ली है हाथ में ये पूरियों की थाली और अब मैं जा रही हूँ अपनी चाची के वहाँ ताऊ जी के वहाँ पूरियाँ देने। तो मैं पहुँच गई हूँ चाची के घर और यहाँ भी चाचा का साथ कर दिया है पंडित जी ने। अभी उनकी कहीं और की अपॉइंटमेंट चल रही है। हाँ, मैं तो ये देखिए यहाँ चाचा का श्राद्ध हो गया है। तो आज हरी के बुबू का श्राद्ध था और ये पंडित जी के साथ आए हैं उनके हेल्पर जो उनको एक गांव से दूसरे गांव में ले जा रहे हैं। तो ये अभी पंडित जी ने अभी तक धोती पहनी थी, अब धोती की तह बना रहे हैं, अब दूसरी जगह जाने की तैयारी चल रही है पंडित जी की। तो बाहर से देख लिया तुम्हारे हेल्पर के गुनी मेरे दक्षिणा कहाँ से बल दो 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 तो अरे एक बार बतावा उनको तो तुम लिखा ऐसा ने अपुरगढ़ में तो वो तुम्हें डील है रहे होने कतु दिन से क्या दिन से ये हमारी गुन्नू। तो आज गुन्नू के परदादा का थाना सरार बुढ़े बुबू का। तो यहाँ पर पंडित जी अपनी पोटली वोटली बांधने लगे हैं, वो सामान समेट लिया है। ये देखो ये तो अब हमारे पंडित जी भी चले गए हैं और उनको उन्होंने अपने हेल्पर को कोई दिहाड़ी नहीं दी है। तो आज अभी ले लिया तुम इनसे नजर, अरे आज रास्ते में उतार दिया। और अब मैं जा रही हूँ इस नहर के रास्ते हाथ में थाली लेके ताऊ जी के घर। तो ये है मेरे मजले दादा, आज इन्होंने श्राद्ध कर लिया है। यहाँ देखिए ये है मेरे ताऊ जी और ताई जी की फ़ोटो। तो आज ताऊ जी का श्राद्ध था, कल ताई जी का होगा। और यहाँ हमारी खीमा दी भी आई हैं, तो खीमा दी का पैड़ा मैंने यहीं पे पकड़ा दिया है। और अब मैं आ गई हूँ अपने छोटे दादा के वहाँ। तो ये आ गई है हमारी सुनीता, छोटे दादा की बहू है ये। ले पैड़ा पकड़े यार बहन, पत्थर उठा ले, थाली छोड़ दे। तो मेरी थाली देखिए पूरी खाली हो चुकी है, सारा जो पैना था मैंने दे दिया है। और मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ घर को क्योंकि ईजा का फ़ोन भी आ गया था। अभी मैंने गांव में नीचे को भी जाना है ना पैना देने। तो मैं पहुँच गई हूँ और अब जल्दी से फिर से पैना रख के जाती हूँ गांव में नीचे की साइड। तो पहुँच गई हूँ घर, बाहर बहुत धूप भी लग रही है। और यहाँ देखो, और यहाँ अब श्राद्ध में आ गए हैं मेरे जीजा जी। कमला जी अभी किचन में गई हैं और ये यहाँ पर लवी खाना खा रही है। तो जिया जी अभी खा रहे हैं खीर। कैसे हो रही खीर? बहुत बढ़िया। खीर
खीर में नमक मिर्च सही हो रहा है, और यहाँ कमला देवी आ गई है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको मंथन। तो मंथन ने खाना खा लिया, और खाना खा के एक बहुत अच्छी आदत है हमारे मंथन में, खाना खाने के बाद ना अपने बर्तन खुद धोता है। और यहाँ हलवाई को भी खाना बनाते बनाते भूख लग गई थी, तो उन्होंने भी खाना स्टार्ट कर दिया है। और अभी हमारी भाभी तो किचन में ही लगी हैं काम करने में। चेतन और बेबी खाने लगे हैं श्राद्ध का खाना। और श्राद्ध का जो खाना होता है ना बहुत टेस्टी होता है, मतलब भात दाल तो आगे पीछे भी बनता है, लेकिन जो श्राद्ध का भात दाल होता है ना बहुत टेस्टी होता है। तो मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है इनको देख के, लेकिन मैं जल्दी से नहीं, मैं पहले पैणा देके आ जाती हूँ गाँव में, उसके बाद मैं आराम से फुर्सत से खाऊंगी। तो गाइस खाना खा लिया है मैंने भी, और अभी धूप भी बहुत तेज होगी, और अब मेरे ना बड़े जिया जी जा रहे हैं खाना ना खा के घर को। तो अब मैं भी जाती हूँ गांव में पैणा देने के लिए। और बाहर देखिए कितनी चटक धूप हो रही है, मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही हैं। तो इसलिए मैं तो पहले जाने वाली थी पैणा देने के लिए, लेकिन इजा लोगों ने बोला पहले खाना खा ले क्योंकि काफ़ी लेट हो गई है, और अभी मुझे इतने 3-4 घरों में जाना है, तो वहाँ जाने आने में टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले खाना खा लिया और अब मैं जा रही हूँ। तो यहाँ जिया जी भी जा रहे हैं घर को। तो चलिए अपने ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और खाना खाने के बाद नींद जैसी भी आ रही है। तो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। बाय, टेक केयर।